ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर में लगातार सड़क हादसे में हुई मौत, आग लगने तथा प्राकृतिक विपदा से हुई मौत पर मिलने वाले मुआवजे से मुकर गए आज अज्ञान सीओ। अज्ञान सीओ चंद्रशेखर ने 2 अक्टूबर को अपने कार्यालय में बैठक के दौरान 7 दिसंबर को सभी आश्रितों को मुआवजा देने की बात कही थी, बावजूद आज उन्होंने मुआवजा महज एक ही व्यक्ति को दिया। इन तमाम बातों के सुनकर मुआवजे की अज्ञान विधानसभा के भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल आज अज्ञान सीओ के खिलाफ सीओ कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और लगातार प्रदर्शन करते रहे। विधायक अज्ञान विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग हादसे में मौत के शिकार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए अज्ञान प्रखंड पहुंचे थे। विधायक के मृतकों के आश्रितों के साथ धरना देने के कारण सीओ कार्यालय के कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गई। विधायक मनोज मंजिल के मुताबिक अज्ञान सीओ चंद्रशेखर ने 2 दिसंबर को बैठक किया था और उस बैठक में उन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर को मृतकों को आश्रितों को मुआवजा देने की बात कही भी थी, लेकिन आज वो अपनी बात से मुकरते नजर आए। इस मामले में अज्ञान सीओ चंद्रशेखर ने बताया कि कार्यालय के नाजिर को अवकाश में रहने की वजह से मुआवजा देने में विलंब हो रहा है, लेकिन आज मुआवजा दे दिया जाएगा। कई घंटों के बाद सीओ चंद्रशेखर विधायक के पास पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान मौत के शिकार एक मृतक के आश्रित को मुआवजा देकर अन्य आश्रितों को 21 दिसंबर को मुआवजा देने की बात कही। उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। अमरनाथ राम की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी 21 जुलाई को, हमने सड़क जाम किया था, कहा गया कि 4 दिन में चेक मिलेगा, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं 2 दिसंबर को अज्ञान सीओ साहब से मिलने आया था, मैंने कहा था वो टाइम दिए थे 7 दिसंबर को, हमसे वादा किए थे कि अमरनाथ राम के माँ को मुआवजा देंगे 4 लाख का, अखिलेश रवाने की एक मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी उनकी पत्नी रीना देवी को मुआवजा देंगे, और रुचि कुमारी 8 वर्षीय छात्रा की आहार में डूब करके मौत हुई थी, नागा जाधव जी उनके दादा धरना पर बैठे हैं, 7 दिसंबर को चेक मिलने वाला था। और आज मैं 11 बजे ब्लॉक में आया तो उन्होंने 12:30 बजे सीओ ने कहा कि नाजिर नहीं है, हम चेक नहीं दे सकते हैं। रबी फसल में हरनाथ कहार की रबी फसल जली 2 साल पहले, कोई मुआवजा नहीं। बिजली से लोगों की मौतें हुई, घर जला निर्मल चौधरी की, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए पीड़ित परिवार को मुआवजा के सवाल पे ये हम लोग धरना पर बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता के काम के लिए एक एमएलए को इतना दौड़ाया जाता है तो जनता को कितना दौड़ाया जाता होगा, जनता को कितना तबाह है और कितना परेशान किया जाता होगा। और इसलिए बिचौली और दलालों से ये ब्लॉक चल रहा है, ठेकेदारों माफियाओं से ब्लॉक चल रहा है। ये ब्लॉक है प्रखंड विकास, प्रखंड विकास कार्यालय, प्रखंड के विकास के लिए, गरीबों जनता के काम के लिए। छात्र छात्राओं को जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, किसानों की दाखिल खारिज नहीं होती है, विधवाओं को पेंशन ब्लॉक से जल्दी नहीं बनता है। इसलिए ब्लॉक में मनमानी नहीं चलेगा, ब्लॉक को जनता को काम करना होगा। और आज हम लोग चेक लेकर के ही पीड़ित परिवार के मुआवजा 4-4 लाख रुपया हम लोग लेकर के ही हम लोग धरना से उठेंगे, वरना धरना जारी रहेगा। ठीक रहे हैं भाजपा माले विधायक मुआवजा के लिए, उनको नाजिर अवकाश में थे, नाजिर आ गए हैं, उनको चेक देने के लिए कहा गया है, अभी चेक तुरंत काटे। कितने लोग मुआवजे का? अभी एक आदमी का, एक आदमी का। यहाँ तो 3-4 लोगों के बारे में बताया, 3-4 लोग हैं, तो और उसका बाकी का अगले जिला में है, जिला स्तर पर ट्रेंडिंग है, वहाँ से भी आज एस डी ओ से बात करते हैं, 3-4 वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा, उनको भी भुगतान कर देंगे। वैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? स्थिति उत्पन्न हुई कि इनका इनके द्वारा अभी तक जो कागजात है वो जमा पूरा नहीं किया गया था। दुर्घटना हुई थी उधवंत नगर ब्लॉक के अंतर्गत, और वहाँ से अभिलेख भी बहुत विलम्ब से आया, प्लस यहाँ इनके द्वारा कागज आज के डेट तक जमा किया गया, फोटो वगैरह नहीं था, जिसके चलते अभिलेख जिला में भेजा नहीं जा रहा, तो अभी तो भेजा नहीं जा रहा, इसके चलते इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। Thank you.